नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विक्रम सिंह चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने चर्चा किया था हिंदी के पाठ्यक्रम की, उसके साथ ही साथ हमने हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा को प्रारंभ किया और हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की चर्चा की। अब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की चर्चा करने के बाद आज हम उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ, दूसरे लेक्चर की तरफ। हमने उस पिछली वीडियो में जो है जॉर्ज ग्रियर्सन तक की चर्चा कर ली थी। जॉर्ज ग्रियर्सन की चर्चा के बाद आइए अब चलते हैं हिंदी साहित्य के तीसरे मुख्य इतिहास की तरफ, जो है मिश्र बंधुओं का इतिहास। देखिए मित्रों, मिश्र बंधुओं से जो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि मिश्र बंधुओं का नाम क्या था। आप लोग TGT का पेपर उठाकर देखें, कई बार यह प्रश्न आया है कि मिश्र बंधुओं में निम्न में से मिश्र बंधु में नहीं थे। ठीक है, तो तीन मिश्र बंधु थे, श्याम सुख गणेश, और यही इनका क्रम भी है। श्याम बिहारी मिश्र सबसे बड़े थे, सुखदेव बिहारी मिश्र उनसे छोटे थे, और सबसे छोटे थे गणेश बिहारी मिश्र। तो ये तीनों मिश्र बंधु थे, और चौथा विकल्प अक्सर राम बिहारी मिश्र करके देता है, तो आप इससे अलर्ट रहें। तीन मिश्र बंधु तीन हैं, श्याम सुख गणेश। अब आइए इनके इतिहास ग्रंथ की चर्चा करते हैं। मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद। और यह इतिहास ग्रंथ कुल 4 भागों में है, जिसमें से इसके आरंभिक 3 खंड या आरंभिक 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था और चौथे भाग का प्रकाशन हुआ था 1934 ईस्वी में। मिश्र बंधुओं ने लगभग 5,491 कवियों का वर्णन किया है। और पता है आचार्य शुक्ल जी ने बड़ा अच्छा एक व्यंगात्मक शब्द यूज किया। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि यह क्या है, उन्होंने अपने पूर्व के सारे इतिहास ग्रंथों को कविवृत्त संग्रह कहा। कविवृत्त संग्रह माने कवियों का संग्रह, और मिश्र बंधु विनोद को कहा बड़ा कविवृत्त संग्रह। इसमें 5,000, लेकिन इसका एक फायदा है मित्रों, इन्होंने बहुत से ऐसे कवियों को प्रकाश में मिश्र बंधु ले आए जिनको कोई जानता भी नहीं था। इसके साथ ही साथ इन्होंने पूरे हिंदी साहित्य इतिहास को 8 खंडों में विभाजित किया, उसका नामकरण किया, और नामकरण करने में नवीनता लाने का भी प्रयास किया। तो ये रहा मिश्र बंधु विनोद। अब आइए चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास का, हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास की। आप लोग जानते हैं बनारस में वर्तमान में भी एक संस्था है जिसका नाम है काशी नागरी प्रचारिणी सभा। यह संस्था, हम आगे जब हिंदी साहित्य विकास के लिए योगदान देने वाले संस्थाओं की चर्चा करेंगे वहां यह चीज आपको विधिवत बताएंगे। काशी नागरी प्रचारिणी सभा बाबू श्याम सुंदर दास जी और अन्य लोगों के प्रयत्न से बनारस में स्थापित हुई, जिसका मुख्य कार्य था हिंदी के विकास को, हिंदी भाषा का विकास करना, उसके लिए नई पुस्तकें तैयार करना, पुरानी पुस्तकों की खोज करना, उन्हें प्रकाश में लाना। तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा बनारस से जनवरी 1929 में, कब? 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर नामक एक ग्रंथ, एक कोश ग्रंथ, एक वॉकबुलरी, एक डिक्शनरी का प्रकाशन किया गया, और उस ग्रंथ की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी का इतिहास ग्रंथ आया। तो रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ने स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, उन्होंने क्या किया, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इतिहास ग्रंथ लिखा, जो 1929 में, जनवरी 1929 में प्रकाशित हुआ। और यह इतिहास ग्रंथ 1940 ईस्वी में बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से काशी नागरी प्रचारिणी सभा से स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुआ। तो पहला प्रश्न क्या है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किसका इतिहास आया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास आया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास का आरंभिक नाम क्या था? हिंदी साहित्य का विकास। यह कब आया? जनवरी 1929।
यह स्वतंत्र रूप से पुस्तकाकार रूप में कब प्रकाशित हुआ? 1940 ईस्वी में। किसने, किस संस्था ने इसका प्रकाशन किया? काशी नागरी पछाड़ी सभा। अब मात्र देखिए दो तीन लाइन में कितने क्वेश्चन बने, और ये सब हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। दूसरी चीज, शुक्ल जी ने क्या किया, हिंदी साहित्य इतिहास को चार स्पष्ट काल खंडों में बांटा, आदिकाल या जिसे उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल या गद्य काल, इन चार स्पष्ट काल खंडों में बांटा। दूसरा काम, इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, भक्ति काल को, जिसके लिए आज भी हर इतिहासकार शुक्ल जी का ऋणी है, इन्होंने भक्ति काल को दो स्पष्ट भागों में विभाजित किया, सगुण भक्ति परंपरा और निर्गुण भक्ति परंपरा। फिर सगुण भक्ति परंपरा के दो भेद किए, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। निर्गुण भक्ति परंपरा के भी दो भेद किए, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। इस तरह से संपूर्ण भक्ति काल को चार भागों में विभाजित किया। तो अगर पूछा जाए कि शुक्ल जी ने भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया, तो चार भाग, कौन कौन? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। यह प्रश्न आया है, दो और चार दोनों विकल्प में है, चार उत्तर को सही माना गया, टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है यह। इसके साथ ही साथ शुक्ल जी ने एक चीज बहुत गौर से ध्यान दें कि पहले के इतिहासकारों ने जिस बात पर गौर नहीं किया, उस चीज को शुक्ल जी ने बहुत विशेष रूप से गौर किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसी भी युग का जब विश्लेषण किया तो युगीन परिस्थितियों को विशेष ध्यान में रखा, और ये सही भी है। कहा जाता है ना, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, साहित्य क्या है, समाज का दर्पण है। तो भाई समाज में जैसा चलता रहेगा वैसा ही तो समाज रहेगा। भाई तुलसीदास जी जैसा इतना बड़ा चिंतक अगर लिखता है ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, या ऋतु बरखा चली फूट कियारी, जिम स्वतंत्र भय बिगड़े नारी, तो ये तुलसीदास की कमी ना, ये तत्कालीन परिस्थितियों की देन है जहां नारी को इतनी हेय दृष्टि से देखा जाता था। तो यहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने युगीन परिस्थितियों को बड़ा महत्व दिया है, और उन्होंने युगीन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके कुछ स्टेटमेंट दिए, कुछ कथन कहे, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। आपने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में 1000 कवियों को स्थान दिया। इन्होंने कहा जो है, भक्ति काल क्या है, युगीन निराशा की देन कहा किसे, भक्ति काल को। इन्होंने कहा कि जब मुस्लिमों का भारत पर आक्रमण हुआ तो हिंदू उनसे लड़ करके जब पूरी तरह थक गए तो उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो भोग विलास में डूब जाते या भगवान की शरण में चले जाते। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। तो उस समय की घोर जो निराशा थी, शुक्ल जी ने माना, उसके परिणाम स्वरूप हिंदी में भक्ति काल आया। दूसरी चीज, इन्होंने कहा संत मत क्या है, वो इस्लाम के एकेश्वरवाद की देन है। शुक्ल जी यह भी कहते हैं कि कबीर इस्लामिक जोश के साथ हिंदू धर्म का खंडन करते हैं। तो उन्होंने पूरे संत मत को इस्लाम की देन माना। इन्होंने कहा प्रेमाख्यानक सूफी परंपरा क्या है, ये मसनवियों से ली गई है। मसनवी जो है मित्रों, ध्यान रखें, ये फारसी के साहित्य की हैं। मसनवी का मतलब होता है कि जो चीज़ हमारे यहाँ सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा में दिखाई गई है, जो है प्रेमी प्रेमिका के रूप में आत्मा परमात्मा को लेना, ये सब मसनवियों में होता है। और इन चीज़ों को जो है लेकर के यहाँ ये चीज़ जो है, तो उन्होंने कहा कि जो सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा है वो किसकी देन है, मसनवियों की देन है। फिर इन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया, जो एक प्रासंगिक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और शुक्ल जी ने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये प्रश्न टीजीटी नहीं प्रवक्ता में पूछा भी गया है कि शुक्ल जी ने इतिहास जुटाया नहीं जगाया, ये किसका कथन है, ये जैनेन्द्र जी का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा शुक्ल जी ने इतिहास जुटाया नहीं जगाया है, मतलब अन्य लोगों ने क्या किया, केवल कभी जो है मटेरियल इकट्ठा किया और उसे इकट्ठा करके लिखा, लेकिन शुक्ल जी ने केवल तथ्यों को इकट्ठा नहीं किया बल्कि उनका विश्लेषण किया, एक नई दृष्टिकोण लोगों को दिया। इस तरह से शुक्ल जी ने इतिहास केवल जुटाया नहीं जगाया है। और एक खास बात, शुक्ल जी ने लोक को बहुत महत्व दिया। किसे महत्व दिया, लोक, लोक माने आम जनता को। शुक्ल जी ने क्या कहा, हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, आम जनता की मनोवृत्तियों का संग्रह,
और समय समय पर ये मनोवृत्तियां बदलती रहती हैं, तो काल क्रमवाइज उन्हीं मनोवृत्तियों के बदलते को व्यवस्थित करना, सुव्यवस्थित करना, यही कहलाता हिंदी साहित्य का इतिहास। तो यह एक पॉइंट भी आप लोग नोट करेंगे कि शुक्ल जी ने लोक शब्द पर बहुत विशेष बल दिया है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद हम चलते हैं हिंदी साहित्य के दूसरे प्रमुख इतिहासकार बाबू हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की तरफ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कोई हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, कोई ऐसी पुस्तक नहीं लिखी जिसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास हो। इन्होंने कुछ अलग अलग पुस्तकें, 3 पुस्तकें लिखी और उनमें अलग अलग तरह से हिंदी साहित्य के मैटर को समायोजित किया, समाहित किया। इनकी पहली किताब रूप देखिए, पहला पॉइंट यही है, प्रत्यक्ष रूप से कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। इन 3 पुस्तकों में इन्होंने हिंदी साहित्य का अलग अलग की अलग अलग सामग्री, अलग अलग मैटर को समाहित किया है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जहां शुक्ल जी ने युगीन परिस्थितियों को महत्व दिया है, वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने परंपरा को महत्व दिया। परंपरा का मतलब है कि भाई कोई भी परिवर्तन समाज में एकाएक नहीं होता, वो धीरे धीरे सदियों से चली आ रही परंपरा के परिणाम स्वरूप होता है। और यही बात आचार्य राम जो है शुक्ल जी ने इस चीज को लोक से जोड़ा था, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे परंपरा से जोड़ा। और पता है ये स्टेटमेंट बार बार पूछा जाता है, बार बार आता है। उन्होंने परंपरा का विश्लेषण करते हुए कहा कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि भारत में इस्लाम न आया होता तो भी भक्ति का स्वरूप 12 आना वैसा होता जैसा था। इसका मतलब शुक्ल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहीं ना कहीं इस्लाम के प्रभाव को मानते थे, लेकिन कितना, 4 आना भाई, 1 रुपया मतलब पूरा 16 आना होता है। तो वो 12 आना परंपरा को मानते थे और 4 आना इस्लाम को मानते थे। देखिए उन्होंने सीधे सीधे ये बताया, कहा जाता है ना, डॉक्टर सत्येंद्र का कथन है, भक्ति द्राविड उपजी लायो रामानंद, प्रकट करी कबीर ने 7 दीप 9 खंड। भक्ति का विकास कहाँ था, दक्षिण में था, और दक्षिण से रामानंद के माध्यम से वो परंपरागत रूप से भारत उत्तर की ओर आई। तो वही चीज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि भक्ति का जो अलख जो है दक्षिण में जगा था, वो परंपरा से होते हुए धीरे धीरे उत्तर में आया, ठीक। इसके बाद इन्होंने एक सबसे खास बात, इन्होंने हिंदी साहित्य में जो है आदिकाल नामक एक पुस्तक भले लिखी हो, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी व्यक्तिगत रूप से जो है हिंदी साहित्य का प्रारंभ भक्तिकाल से मानने के पक्षधर हैं। प्रश्न पूछा जाएगा ये, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस युग से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना, भक्तिकाल से, क्योंकि आदिकाल जो है वो विरोधों का युग है, व्याघातों का युग है, अनेक अलग अलग परंपराओं के एक दूसरे से मिलने का युग है, इसलिए वहाँ जो स्थिति है बहुत अस्पष्ट है। इसलिए जिन्होंने भक्तिकाल से ही हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, देखिए मैंने आपसे कहा था कि शुक्ल जी ने कहा जो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा है वो मसनवियों की देन है, मसनवी माने इस्लाम की देन है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि ना भाई, जो भक्ति परंपरा है वो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में मिली। नल दमयंती की कथा हमारे यहाँ की जो है वो है उर्वशी पुरुर्वा की कथा, ये सब क्या है, ये सब के सब प्रेमाख्यान काव्य हैं, और ये प्रेमाख्यान काव्य हमारी परंपरा में रहे हैं, और उन्हीं परंपरा में धीरे धीरे आगे चल करके जो है ये सूफी आए और मशनवियों का जो है ये आए, जो है प्रेमाख्यानक परंपरा आई। दूसरी चीज, शुक्ल जी ने कहा कि ज़्यादातर इसमें जो है मुसलमान कवि हैं, तो भाई उस समय तक वही ज़्यादा चर्चा में थे, ज़्यादातर जो साक्ष्य मिले थे वो मुसलमानों के थे, लेकिन अब जो मिले हैं वो हिंदुओं के हैं, तो इसमें मुसलमान कवि कम ही हैं, हिंदू कवि ज़्यादा हैं। चलिए, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बाद हम अगली चर्चा करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। क्या नाम है मित्रों? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ये 2 पुस्तकें अक्सर पूछी जाती हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास,
राम कुमार वर्मा जी और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। आइए इनके इतिहास के बारे में देखते हैं। इनके इतिहास की सबसे प्रमुख विशेषता यह है मित्रों कि इन्होंने केवल भक्ति काल तक का इतिहास लिखा है। कहाँ तक का? भक्ति काल। मतलब केवल दो काल हैं इनके इतिहास में, आदिकाल और भक्ति काल। इन्होंने क्या किया है, आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक के इतिहास को 7 भागों में बांटा है, ठीक है। और यही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो इनसे बनेगा, बार बार बनता है, आदिकाल को क्या नाम दिया। यद्यपि इसे हम नामकरण में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी मैंने कहा चर्चा करता चलूँ, दिमाग में अभी से रखिए, आदिकाल को संधिकाल और चारण काल कहा। दो नाम दिया, क्या नाम दिया, संधिकाल और चारण काल। यह रचना की दृष्टि से चारण काल है। उस समय जो है दरबार में चारणों का प्रभाव था, वही ज़्यादा रचनाएँ लिखते थे न। चारण मतलब जो राजा की चढ़ा बढ़ाकर वर्णन करें। बहुत साफ शब्दों में समझा दूं, राजा ने छेड़ मारा तो वो बताते थे राजा ने शेर मारा, ये है चारण, ठीक। तो चारण काल नाम दिया रचना की दृष्टि से और संधि काल नाम दिया भाषा की दृष्टि से। यह ऐसा काल है जिसमें अपभ्रंश भी है, हिंदी भी है, प्राकृत भी है। तो इस तरह से जो है भाषा की दृष्टि से यह संधि काल है, अनेक भाषाओं के एक में मिलने का काल है। रचना की दृष्टि से यह चारण काल है, इसलिए इन्होंने इसे संधि काल और चारण काल नाम दिया। और सबसे अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न, इन्होंने हिंदी का पहला कवि किसे माना, स्वयंभू को। जैन कवि, जैन धर्म के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना। और स्वयंभू का समय है 693। इसका मतलब हिंदी साहित्य को जहाँ लोग 950 तक ज़्यादा से ज़्यादा पीछे ले जाते हैं, 950 ईस्वी तक, वहीं राम कुमार वर्मा जी हिंदी साहित्य इतिहास को 693 ईस्वी तक पीछे ले जाते हैं। अब राम कुमार वर्मा जी की चर्चा करने के बाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की चर्चा करने के बाद अब हम लोग जो है आगे चलते हैं, यह देखते हैं हिंदी साहित्य के कुछ अन्य प्रमुख इतिहास ग्रंथ और उनके नाम। और इसमें से भी लगातार क्वेश्चन आता है, मैंने आपसे बार बार कहा मेरे कहे पर मत जाइए, जितना मैंने पढ़ाया पेपर उठाइए मिलाइए और देखिए क्वेश्चन हूबहू फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं। बिल्कुल वो एकदम सटीक पढ़ाया जाएगा मित्रों, एकदम इंटर जो है आप मेहनत करिए, TGT निकालने की गारंटी हम देते हैं, TGT निकलेगा जो है इसमें, देयर इज नो इफ नो बट, ठीक। तो आइए देखते हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख अन्य इतिहास ग्रंथ। इसमें हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ है, यह इतिहास ग्रंथ काशी नागरी प्रचारी सभा बनारस ने प्रकाशित कराया है, ठीक है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ। दूसरा है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का, आप लोग जानते ही हैं प्रीप्रवास वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी जो है, तो चुभते चौबदे चोखे चौबदे इन रचनाओं के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास चतुर्सेन शास्त्री, चतुर्सेन शास्त्री जी ने, आप लोग जानते हैं बहुत बड़ा नाम है चतुर्सेन शास्त्री जी का। चतुर्सेन जो है बड़े साहित्यकार हैं। चतुर्सेन शास्त्री जी ने दो काम किया था, पहले में उन्होंने केवल इतिहास को समाहित किया, लेकिन दूसरे में उन्होंने भाषा की दृष्टि से इतिहास का मूल्यांकन किया, इसीलिए उन्होंने दो पुस्तकों की रचना की, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास। आते हैं अगली चर्चा पर, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन एकदम तोते की तरह याद कर लीजिए, 3 से 4 बार TGT में आया प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। दो प्रश्न इससे बनते हैं, कौन कौन से, किसकी रचना है, कितने भाग हैं, दो भाग में है नलिन विलोचन शर्मा, किसकी रचना है नलिन विलोचन शर्मा, कितने भाग हैं, दो भाग, ठीक। अब आइए हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी कोविद रत्नमाला, ये दो भाग में हैं और ये तीनों पुस्तकें बाबू श्याम सुंदर दास जी ने लिखी हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU काशी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और वहाँ जब हिंदी विभाग खुला तो उसके प्रथम विभागाध्यक्ष बनाए गए थे बाबू श्याम सुंदर दास जी। और उस समय MA के सिलेबस के लिए पुस्तकें ही नहीं थी, MA में कोई बच्चा एडमिशन ले तो कौन सी किताब पढ़े, क्या पाठ्यक्रम हो, तो उस चीज को ध्यान में रख करके
हिंदी भाषा का विकास नाम से एक भाषा विज्ञान की किताब लिखी थी बाबू श्याम सुंदर दास ने, हिंदी भाषा और साहित्य लिखा था भाषा और साहित्य के समग्र अध्ययन के लिए, और हिंदी कोविद रत्नमाला जिसमें अनेक कवियों का वर्णन है उनको जो है दो भागों में प्रकाशित कराया था। अब आइए बहुत महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी, जिसे NCERT ने प्रकाशित किया है, इसे जो है NCERT ने प्रकाशित किया है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी, ये रचना पूछी जाती है। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे जी की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य की कहानी। हिंदी साहित्य विमर्श पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, देखिए मैंने कहा दो को एकदम तोते की तरह रटे रहिए, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन और हिंदी साहित्य विमर्श पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जल्दी ही पूछी गई रचना है, पेपर उठाइएगा, सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, आधा इतिहास मतलब जानते हैं इसे विशेष रूप से नारी विमर्श को ध्यान में रख करके लिखा गया है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, आधा का मतलब ये नहीं है कि इसमें आधे तक का वर्णन है, नारी विमर्श को ध्यान में रखकर लिखा गया है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास डॉक्टर नीलाब जी को आप लोग जानते होंगे, उपेंद्र नाथ हस्क जी महान नाटककार एकांकीकार उपेंद्र नाथ हस्क जी के पुत्र हैं नीलाब जी, और नीलाब जी ने एक पुस्तक लिखी हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास जो इन्हीं के प्रकाशन नीलाब प्रकाशन से प्रकाशित है। आधुनिक साहित्य और हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, ये दोनों पुस्तकें हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी की, बहुत छायावाद के बहुत बड़े समीक्षक आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी जी। तो ये रही मित्रों हमारी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण पुस्तकें। हमें कमेंट करके ज़रूर ये बात बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, और इस बात का दायित्व तो आप हमारे कंधे पर छोड़ें कि TGT निकालना कैसे है, बस आप परिश्रम करते रहिए मित्रों, दिए गए तथ्य को लगातार पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, बाकी के लिए हम खड़े हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।